यो ब्रोज, आई जस्ट होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ब्रोज, आज का जो वीडियो है वो होगा कि बहुत सारे गाड़ियों में टूल किट दिया जाता है, बट बहुत सारे गाड़ियों में जो टूल किट दिया जाता है, हम हार्डली देखते हैं कि वो टूल किट किसी काम का आता है, एक्सेप्ट फॉर स्क्रू ड्राइवर। और एक लंबा वाला वो देते थे पहले, जो हम डाल के स्पार्क प्लग निकालते। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई भी टूल किट कभी भी किसी के काम आया होगा, या मे भी आया होगा, सो गुड फॉर यू। सो ऑल राइट ब्रोस, आज हम बात करेंगे अबाउट दी हिमालयन। हिमालयन के साथ जो टूल किट आता है, क्या क्या दिया जाता है और वो सब कितने काम में आ सकते हैं। पहले हम देखते हैं अनपैकिंग, अनबॉक्सिंग, जो भी बोला, ऑफ दी टूल किट। मुझे सबसे जो अच्छी बात लगी वो है ये एक लेदर पाउच जैसा है, ठीक है, काफ़ी बहुत ही अच्छा क्वालिटी का इसका जो वेलक्रो है, बट इसको देख के नहीं लगता ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। मैं बोल नहीं सकता हूँ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग तो लग रहा है, लेकिन आगे कितना चलेगा वो देखा जाए। सबसे पहले टूल्स में आते हैं, जो मेरा सबसे फेवरेट टूल्स है वो है एलन की, क्योंकि यामाहा R15 में सब कुछ मोस्ट ऑफ इट एलन की से हो जाता है। तो इन्होंने एलन की का दो साइज दिया है। R15 यूज़र के पॉइंट से बताऊंगा, जो मैं तीन हमेशा रिकमेंड करता हूं, 4mm, 5mm और आई थिंक 6mm। तो ये है 6 और 4। 4 मैंने भी रिसेंटली ख़रीदा था ये सब खोलने के लिए। जो ये वाला खुलता है ना, R15 यूज़र्स अगर हो तो तुम जान सकते हो, ये जो खुलता है वो इसी से ही खुलता है। एक ये दिया है और एक इसके ऊपर का ऊपर वाला, जिससे R15 में सिर्फ एक ही चीज़ टाइटन होता है और वो है ये सामने का। मेरा एक वीडियो है इस पर, और ये जो सामने का वो हिलता है, हेडलैम्प का जो डोम हिलता है, उसको तुम लोग इससे टाइट कर सकते हो। ये कितना यूज़फुल है हम देख लेते हैं, इससे क्या क्या खुलता है। तो ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। The bigger size. So next जो आ गया, ये स्पार्क प्लग ओपन के लिए होता है और सारे गाड़ियों में देते हैं इसको, और यही जो मैं बात कर रहा था नेक्स्ट बेस्ट यूज़फुल चीज़ है। और ये खुलता कैसे है, इसका खोलने का एक तरीका रहता है। इसमें होल इसलिए दिया जाता है कि तुम इसका जो रीच है अंदर तक जा सके, और इसमें स्क्रू ड्राइवर डाल के तुम ऐसे इसको मोड़ के खोल सकते हो। ये छोटे मोटे स्क्रूज खोलने के लिए, बट अभी हमारे किसी काम का नहीं था, मैंने सारा टेस्ट किया, इससे कुछ भी नहीं खुलता है। और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है बहुत अच्छा नहीं है, वीक सा लग रहा है। मुझे लग रहा है ये एल्युमिनियम एलॉय का बना है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। नेक्स्ट हो गया ओपन एंडेड स्पैनर, या टू साइडेड स्पैनर जो भी है। ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है हर गाड़ियों के लिए, और इन्होंने दिया है साइज़ 10 और 12 का। तो इससे जो जो पार्ट खुल सकती है वो काफ़ी अच्छे से, जहाँ जहाँ रीच है ये कर पा रहा है। एक एक नट है, वो क्यों है मुझे पता नहीं, वो किसी से नहीं खुलती है। एक जगह जो मैंने देखा ये काम करता है, ये एग्जैक्टली किस काम के लिए है मुझे पता नहीं। 24 में क्या खुलता होगा, ये है साइज 24 और ये साइड है साइज 14। तो ये तो एक काम में आ गया मैं देखा, बट ये किस काम का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। ये मैंने हर चीज़ पे ट्राई किया, ये कहीं पे भी नहीं खुलता। प्रोबेबली ये इंजन ऑयल ड्रेन आउट का साइड है, और ये ऐसे तुम ट्राई कर सकते हो। इसको यूज़ करने का जो प्रॉपर वे है वो इसके हेल्प से होता है। तुम कहीं पे भी इसको लगाए, एंड देन दिस गोज इन, और ये हो गया तुम्हारा एक अच्छा ग्रिप देगा, जिससे तुम खोल सकते हो ये टूल।
इतना भी फॉर्म फिक्स नहीं है, ये बहुत लूजली फिट हो रहा है, सो नॉट वर्थ ट्राइंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक और बहुत ही हेल्पफुल टूल है, वो है ये स्टार स्क्रू ड्राइवर या फिर फिलिप्स हेड स्क्रू ड्राइवर बोल सकते हो। और ये एक साइड से वो है और दूसरे साइड से रेगुलर स्क्रू ड्राइवर है, जिसका फिनिश और वो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मुझे लग रहा है ये काफ़ी स्टडी है, इट विल डू द जॉब प्रिटी वेल। और ये जो सारे मैं देख रहा हूँ, टाइटन बोल के कई कंपनी है जो ये सारे टूल्स बना रही है, ये भी टाइटन का है, ये भी टाइटन का है, और किसी पे मैंने टाइटन नहीं देखी। टूल किट दिखाया और क्या क्या इसमें हेल्प हो सकता है इस टूल से, वो मैंने बताया। बट एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जितने भी टूल्स हैं इन्होंने दिया है स्टॉक टूल्स, ये टूल्स का कोई खास फ़ायदा नहीं होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा तुम सीट खोल सकते हो, तुम्हें बैटरी तक एक्सेस मिल जाएगा, और तुम इससे एक्सपेक्ट मत करना कि तुम बहुत बड़ा कुछ कर लोगे। इंजन का एक भी स्क्रू नहीं खुल रहा है, चेन और जो सामने टायर है इन केस ऑफ पंक्चर, अगर तुम्हें सामने का चक्का निकाल के उसका वो फिक्स करना पड़ा या फॉर एनी रीजन सामने का चक्का निकालना पड़ेगा, देर आर सो मेनी इंस्टेंसेस जहां तुम मैकेनिक पे डिपेंडेंट हो जाओगे और ये टूल्स तुम्हारे हेल्प नहीं करेंगे, या तो तुम्हें एडिशनल टूल किट खरीदना पड़ेगा। मेरा कहने का ये मतलब था कि अगर टूल्स प्रोवाइड कर रहे हो, लिमिटेड टूल्स दे रहे हो, 5-6 टूल्स, तो सारे जो स्क्रूज एंड नट्स बोल्ट वगैरह जो भी है इसी कॉन्फ़िगरेशन का रख सकते थे, ताकि सब कुछ यूज़ हो सकता था एक साथ। इस एंगल से मैं कहूँगा कि R15 में मैंने कुछ टूल्स रिकमेंड किए थे कि मैं जो यूज़ करता हूँ, मैं सिलेक्ट करके ख़रीदा था, जिससे मेरे सारे काम ऑलमोस्ट हो जाते हैं। इसमें सामने का चक्का खोलने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, चेन तो जो बेसिक था सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा, इतने छोटे जगह में सारे आ जाएंगे। एक और चीज़ ये है कि जितने भी टूल्स दिए गए हैं, लगभग एटलीस्ट ये मैं कहूँगा, मैं बाकी गाड़ियों का अभी नहीं जानता हूँ, बट पहले जो मैं टूल किट खोल के देखा करता था गाड़ियों में, मुझे लगता था कि टूल किट दिया ही क्यों, आधे से ज़्यादा फेंकने लायक चीज़ें थे, खाली वेट बढ़ाते थे गाड़ी का। टूल किट के नाम पे बस एक तुम्हें सेटिस्फेक्शन रहता था कि कुछ मिला है कंपनी से, मुझे ऐसा लगता था। अगर तुम्हें लगता है कि जो पहले टूल्स मिलते थे, अभी कौन से गाड़ी में क्या मिलता है मुझे पता नहीं, बट तुम्हें अगर लगता है पहले जो टूल्स मिलते थे वो सब बहुत सारे टूल्स काम के थे एक्सेप्ट फॉर दिस और वो स्पार्क प्लग खोलने वाला, तो मुझे बताना। बाकी गाड़ियों का मुझे लगता है शायद अभी भी ऐसे ही आता होगा, बट आरी ने जो टूल्स दिया है मुझे लगता है कि दो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है, बट बहुत हद तक, बहुत लिमिट तक हेल्प करेगा, एटलीस्ट सीट वगैरह खोलने में और इलेक्ट्रिकल एक्सेस करने में। सुप्रोज दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगे तो हम सब दे देना।